रात के 11 बज रहे थे। जंगल के पास सुनसान रास्ते पर एक अघोरी योग मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने सुधांशु खड़ा था। बोलो, क्या चाहते हो तुम? बाबा, मेरी 4 क्लासमेट जिन्होंने कॉलेज के एनुअल पार्टी में मेरा और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, मुझे उन 4 से बदला लेना है। तो किस तरह बदला लेना चाहते हो उनसे? मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं जो चाहूं कर सकूं। लोना चमारिन, सिर्फ उसी की साधना से तुम वो सब कर पाओगे जो तुम चाहते हो। ये लोना चमारिन क्या है? लोना चमार जाति की एक ऐसी स्थिति जिसने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। जहां एक कलवे को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं उस औरत ने अकेले ही उन 52 कलुओं को सिद्ध किया था। इसीलिए लोग उसे देवी के रूप में मानने लगे और अब उसको सिद्ध करके अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। फिर तो मैं उसे ही सिद्ध करूंगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? अघोरी ने सुधांशु को पूरी विधि समझा दी और उसे पूरा करने का सुधांशु ने मन बना लिया। 2 दिन बाद अमावस्या की रात आई। अंधेरा अपने चरम सीमा पर था। सुधांशु जंगली इलाके की ठंडी जमीन पर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उसने सबसे पहले तेल का दिया जलाया, फिर एक बड़ी थाली में 3 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 तरह की मिठाइयाँ रखी। उसके बाद योग मुद्रा में बैठकर लोना चमारिन के साबर मंत्र का जाप करने लगा। उसने बेहद देर बैठकर साबर मंत्र पढ़ा और फिर उस थाली को उठाकर वहां से थोड़ी दूर ले जाकर उसे अपने घर के पीछे खाली सुनसान मैदान में उस थाली को रख दिया और फिर अपने घर की ओर बढ़ा कि तभी जैसे उसे वो आवाज सुनाई दी, वो बेहद खौफ जदा हो गया। हे मालिक, ये आवाज किसकी है? नहीं, विधि के अनुसार मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ाने लगा, तभी वही हंसने की आवाज आती तो फिर कभी पाजेब की छम छम, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने घर पहुंच ही गया। इसी तरह उसने 21 रातों तक यही किया और आज उसके चेहरे पर एक गजब तरह की खुशी झलक रही थी। आज मेरी साधना की आखिरी रात है, आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने आज फिर से वही विधि की। सावर मंत्र को पढ़कर उसे अपने आसपास धुआं उठता हुआ नजर आया और अगले ही पल उस धुएं ने एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया, जिसके कपड़े बेहद तंग थे। उनमें से उसका गोरा मखमली चमकता हुआ जिस्म बेहद खूबसूरत लग रहा था। नमस्ते लोना देवी। सुधांशु के प्रणाम के जवाब में उसने मुस्कुरा दिया और फिर जमीन पर बैठकर भोग में रखी हुई चीजों को खाने लगी। मैंने लोना चमारिन देवी को सिद्ध कर लिया है। अगले दिन रात के समय सृष्टि आराम से सो रही थी। क्या हो गया है मुझे? आज तो मुझसे प्रेजेंटेशन बना ही नहीं जा रही। वो पूरा ध्यान अपने काम में लगाकर एक एक वर्ड को बेहद सोच समझकर लिख रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो उसे खिड़की के शीशे के उस पार किसी की छवि दिखाई देने लगी। वो एकदम से खौफ जदा हो गया और लैपटॉप साइड में रख कर बेड से उठा। इतनी रात को हमारी खिड़की पे कौन होगा? उसे बेहद अजीब भी लग रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए। कौन है बाहर? उसने फटाक से खिड़की खोली, लेकिन तब उसे सामने कोई भी नजर नहीं आया। उसने सुकून की एक सांस ली। थैंक गॉड कोई नहीं है। और फिर झट से खिड़की बंद कर दी, लेकिन खिड़की के बंद होते ही उसके दिल को एक झटका सा लगा। ये फिर से कैसे? उसे फिर से खिड़की के कांच पर वही परछाई दिखाई देने लगी, पर इस बार वो डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से खिड़की खोले और वो उल्टे पैर पीछे हटने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसकी सांसें रुक गई। कौन है? उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वहाँ लोना चमारी खड़ी थी।
उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। लोना चमारी मुस्कुराई और उसका जिस्म नीला पड़ गया। आंखें लाल लाल चमकने लगी, जिसे देख रौनक बेहद खौफजदा हो गया और उसका जिस्म कांप उठा और उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनकर सृष्टि भी जाग गई। अरे क्या हुआ रौनित? और जब उसने सामने लोना चमारिन का खौफनाक रूप देखा तो उसका भी दिल दहल उठा। उन दोनों की चीख घर के बाहर तक गूंज गई और कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। सुधांशु अभी अपने कमरे में बैठा ही हुआ था। पता नहीं लोना ने काम किया है या नहीं, देर काफी हो चुकी है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बज चुके थे। तभी उसके कमरे में अजीब सा धुआं उठने लगा और जमीन पर बेहद सारा पैसा आकर गिरने लगा। अरे वाह, इसका मतलब है कि लोना चमारी ने अपना काम कर दिया। वो इतनी सारी दौलत देखकर बेहद खुश हुआ और फिर उसने वही भोग में रखने वाली चीजें एक थाली में रखी और उसे अपने घर के पीछे वाले जंगल में रखने चला गया। अब इसे रखकर चला जाता हूँ, कल तो पूरे दिन शॉपिंग करने में निकालना है। वो अब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ वक्त बाद उसे अपने पीछे से पायल की छमछम सुनाई देने लगी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। अगली सुबह पहले उसने ढेर सारी शॉपिंग की और उसके बाद उसने सोचा, एक बार रौनित के घर भी जाकर देख लेता हूँ कि क्या हाल है, लोना चमारिन ने उन्हें कैसी मौत दी है, ये तो देखना ही चाहिए। ऐसा इरादा बनाकर वो रौनक के घर चला गया। वहाँ उसके घर के आसपास बेहद भीड़ जमा थी। अरे भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ पर? बहुत अजीब घटना घटी है, रौनित और उसकी बीवी सृष्टि कल रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं और उनकी तिजोरी भी खाली है। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि कोई आया और उन दोनों के साथ उनकी सारी दौलत भी ले गया और हम पड़ोसियों को कुछ पता ही नहीं चला। ये सुनकर सुधांशु अपने मन में सोचने लगा, अगर लोना चमारिन ने उन दोनों को मारा नहीं तो कहाँ रखा होगा। उसके दिल में एक बेहद अजीब सा सवाल उठा। उसने घर जाकर वापस से वही भोग लगाने वाली चीजें एक बड़े से थाल में रखी और उनको फिर से जंगल में रख आया। फिर उसने घर आकर बेहद देर तक लोना चमारिन का वही साबर मंत्र पढ़ा और वो उसके सामने प्रकट हो गई। कहो, आज क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बातें सुनकर सुधांशु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुरान तैर गई और उसने अपनी इच्छा जाहिर की। कुछ वक्त बाद नितिन और अन्वेषा अपने कमरे में आराम से सो रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके बिस्तर के नीचे कोई है और वो जोर जोर से बेड को पीट रहा है। वो दोनों चौंकते हुए जाग उठे। कौन कौन है? धमधम की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेड के नीचे बैठा ऊपर की तरफ हथौड़े बरसा रहा हो। उन दोनों ने हिम्मत की और एक साथ नीचे झुककर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था और वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, नीचे कोई तो है, मेरे बेड को कौन पीट रहा था? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या बताऊं? तभी उन दोनों के कंधों के ऊपर खून की कुछ बूंदे टपकी और वो लोग सन्न रह गए। उन दोनों ने एक साथ ऊपर नजरें उठाकर देखा तो लोना चमारिन अपने भयानक रूप में किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई थी, जिसकी जीभ से खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर उन दोनों का गला सूख गया। वो कुछ करते इससे पहले ही वो धम से दोनों के ऊपर कूद पड़ी। कुछ ही देर में उनके घर की सारी दौलत सुधांशु के पास आ गई। वो बेहद खुश हुआ, इतना खुश कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे चारों दोस्तों की दौलत तो मेरे पास आ गई, लेकिन एक सवाल तो अभी भी मन में घूम रहा है कि लोना चमारिन ने आखिर उनका किया क्या। तभी लोना चमारिन उसके सामने आ गई और बोली, अब जल्दी से मुझे अगला शिकार भी बता देना, देर मत करना। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने उन चारों का किया क्या?
उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम मुझे कल रात का काम जरूर बता देना। इतना कहकर वो गायब हो गई। अब तो मुझे किसी को मरवाना नहीं है और ना ही किसी की दौलत लूटनी है। अब तो बस हर रात लोना चमारिन देवी को भोग लगा दिया करूँगा। उसने रोजाना लोना चमारिन देवी को भोग देना जारी रखा। कुछ दिन तक वो उसे नजर भी आई और अगला काम भी मांगती रही, लेकिन सुधांशु सिर्फ उसे भोग लगाता रहा। आज अमावस्या की रात है, आज की रात तुमको मेरे साथ चलना होगा। हाँ क्यों नहीं, चलो ले चलो, कहाँ चलना है। इतना कहते ही वो सुधांशु के करीब आ गई और कोई मंत्र पढ़ा। उनके चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया और जब धुआं छटा तो दोनों एक गुफा के अंदर थे। अरे हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए, कौन सी जगह है ये? ये है कामरूप स्थल। इतना कहकर उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी सुधांशु ने सामने देखा कि उसके चारों दोस्त जिन्हें वो मरा हुआ समझ रहा था, वो एक गोल घेरे के अंदर खड़े थे और पास ही एक ताबूत भी रखा था। वो लोग सुधांशु को वहाँ देखकर हैरान रह गए। सुधांशु तू यहाँ कैसे है? तुम लोग हैरान मत हो, मेरी ही वजह से तुम यहाँ पर हो। तुम लोगों ने कॉलेज के एनुअल पार्टी में मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था ना, अब देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस कामरूप की देवी लोना चमारिन को सिद्ध किया। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को मारना चाहता था, फिर सोचा कि उससे मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारी दौलत भी ले ली। ये सुनकर उन चारों को सुधांशु पर बेहद गुस्सा आया। तुमने सिर्फ एक मजाक का हमसे इतना बुरा बदला ले लिया कि हमारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। ज्यादा मत बोलो तुम लोग, यह कहकर सुधांशु लूना से बोला, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? थोड़ा सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर लोना ने अपने हाथ के इशारे से सामने रखे ताबूत का ढक्कन हटा दिया और उसके अंदर पड़ी एक और लोना को देखकर वो पांचों चौंक गए। ये क्या, एक और लोना? तो तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ और ये मेरा जिस्म है। 200 साल पहले मेरी मौत हो गई थी और मुझे मेरा जिस्म छोड़ना पड़ा। जैसा कि तुमको पता है कि मैंने 52 कल्वों को सिद्ध किया था अपने जिस्म में वापस जाकर जिंदा होने के लिए। मुझे सारे कल्वों को एक एक इंसान की बलि चढ़ानी थी, जिसमें से 4 कल्वे रह गए थे। अब मैं तुम्हारे इन 4 दोस्तों की बलि उनको दे दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो, वो चिल्लाते रहे, लेकिन वो उस घेरे से बाहर नहीं आ सकते थे। लोना ने कोई मंत्र पढ़ा और 4 एक जैसे दिखने वाले कल्वे वहाँ पर आ गए। उनके जिस्म की बनावट इंसानों की ही तरह थी, लेकिन उनके पूरे जिस्म पर एक भी बाल नहीं थे। वो चारों कल्वे उन चारों पर टूट पड़े और उनके सर को धड़ से अलग कर बड़े चाव से उनके मांस को खाने लगे। अब मैं अपने जिस्म में वापस जा पाऊंगी और फिर से जीवित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने सुधांशु को भी उसी घेरे में धक्का दे दिया। ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना सुधांशु, मैंने एक झूठ बोला था, 4 नहीं बल्कि 5 कलवे रह गए थे। ये सुनकर सुधांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक कलवा तेजी से वहां आया और सुधांशु पर झपट पड़ा। उसके ठीक बाद ही लोना चमारिन की रूह धुएं के रूप में अपने जिस्म के अंदर समा गई और उसने सांस लेना शुरू कर दिया और ताबूत से बाहर निकल आई। अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी सारी शक्तियों के साथ।